वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैगी रोल बनाने जा रहे हैं। हमारा बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची रहता है, आप देख सकते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं मैगी रोल। मैगी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई को गैस के ऊपर ऑन करके रख दिया है और कढ़ाई के अंदर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अब यहाँ मैंने 2 मैगी का पैकेट लिया है। पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें मैगी का 2 पैकेट डालेंगे। दूसरा पैकेट भी डाल देते हैं। इसे चला लेते हैं। अब हम इसमें 1 पैकेट जो मसाला है उसे हम डाल लेंगे और 1 पैकेट रहने देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यह देखिए हमारा मैगी बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यह देखिए हमारा मैगी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने, मैगी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 हमने प्याज बारीक कटा हुआ लिया है, इसे हम डालेंगे इसके अंदर। तीन हरी मिर्च लिया है, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर ही। कट करके थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लिया है हमने, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। याद रखिएगा मैगी में भी हमने जो मसाले डाले हैं उसमें भी नमक था, इसीलिए आप टेस्ट करकर ही डालिए। अब सभी सामग्री को हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं सभी को। देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका रोल बनाते हैं। मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि मैगी हमारे हाथों में ना चिपके। यह देखिए इसका हम रोल बना लेते हैं। यह देखिए इस तरीके से हम रोल बना लेंगे सभी मैगी का। चलिए एक और बना लेते हैं। यह देखिए एक और बन गया है। इसी तरीके से हम सभी मैगी का बना लेंगे। सभी मैगी के मैंने रोल बना लिए हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम 2 चम्मच सूजी लेंगे, यह हमारी बारीक सूजी है। अब हम इसमें 1 मैगी का जो पैकेट हमारा बचा हुआ था मसाले का वो हम डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैगी मसाला और सूजी को मिक्स कर लिया है, हम मैगी रोल लेंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इसका लेयर लगा लेंगे, आप देख सकते हैं।
हाथों से एक बार इसको दबा लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी मैगी रोल पे एक एक लेयर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सभी मैगी रोल पर सूजी और मसाले का एक लेयर लगा लिया है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ गैस को ऑन करके कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर मैगी रोल डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, फ्राई करेंगे। इसे हम पलट कर चारों तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यह देखिए हमारा मैगी रोल जो है ब्राउन हो चुका है, यह अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी रोल को हम फ्राई कर लेते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स हमारा मैगी रोल जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।